नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा रादौन और खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वर्ष दिसंबर अंत तक सभी स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों केंद्र में पेयजल की उपलब्धता का टारगेट पूर्ण किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसमें निर्धारित मानकों को पूर्णतः पालन हो। जिलाधिकारी इसकी नियमित निगरानी भी रखें। पानी के नल अंडरग्राउंड किए जाएं। जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूर्ण हो इसके लिए जल स्वास्थ्य एवं जल निगम द्वारा प्रत्येक दिन का टारगेट निर्धारित होना चाहिए। जिलाधिकारी भी कार्यों की प्रगति बैठक समय समय पर लेते रहे। हर घर नल एवं शुद्ध जल के लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। हरिद्वार एवं ऊधम सिंह नगर जनपदों में इस दिशा में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि जो नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं इससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ जाएगा। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में कमी न हो इसके लिए जल स्रोतों के पूर्ण जीवनकरण एवं संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। अनुबंध गठन और वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में तेजी लाने के लिए ठेकेदारों की संख्या बढ़ाई जाए। आवश्यकता अनुसार रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाए। ऊधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में इस मिशन के तहत बड़ा चैलेंज है। इन जनपदों में टारगेट समय पर पूरा हो अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की जाए। सचिव श्री नितेश झा ने बैठक में जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के ग्रामीण क्षेत्र में 14 लाख कनेक्शन दिए जाने हैं जिसमें से 3.53 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं जिसमें से पिछले 6 माह में 1.36 लाख कनेक्शन दिए गए। इस वर्ष चमोली देहरादून एवं बागेश्वर में हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे, अपर सचिव श्री आशीष जोशी, जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।